कांग्रेस और टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने अपने पति से अलग होने की खबरों पर अपना बयान जारी कर दिया है। नुसरत का कहना है कि उनकी और निखिल जैन की शादी तुर्की के कानून से हुई थी और ये शादी कानून के अनुसार भारत में मान्य नहीं है। नुसरत ने इस पूरे मामले पर अपना बयान जारी किया है। खबर है कि नुसरत पिछले 6 महीनों से अपने पति से अलग रह रही हैं। खबर है कि नुसरत इस समय प्रेग्नेंट है और उनके पति निखिल को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। नुसरत ने निखिल जैन से 2019 में तुर्की में डेस्टिनेशन वेडिंग की थी। नुसरत ने अपनी शादी और उससे जुड़ी अफवाहों पर रोक लगाते हुए इस पूरे मामले पर अब अपना बयान जारी किया है। नुसरत ने अब निखिल जैन से अपनी शादी को अमान्य बता दिया है। नुसरत ने इस बयान में कहा है, तुर्की मैरिज रेगुलेशन के अनुसार एक विदेशी धरती पर आयोजित होने के चलते ये सेरेमनी अमान्य है। इसके अलावा क्योंकि ये एक अंतरधर्मीय विवाह है, इसलिए इस शादी का भारत के स्पेशल मैरिज एक्ट में मान्य होना ज़रूरी है, जो नहीं हुआ है। कानून के आधार पर यह शादी मान्य नहीं है, बल्कि एक रिश्ता या लिव इन रिलेशनशिप है। ऐसे में तलाक होने का सवाल ही नहीं उठता। नुसरत ने आगे कहा, हमारा अलगाव काफ़ी पहले हो गया था, लेकिन मैंने इसके बारे में बात नहीं की क्योंकि मैं अपनी प्राइवेट ज़िंदगी प्राइवेट ही रखना चाहती थी। इसलिए मेरी कोई भी किसी भी बात को हमारे सेपरेशन से जोड़कर जज ना करे। जिस शादी की बात हो रही है वो मान्य नहीं है और इसलिए कानून की नज़र में ये शादी है ही नहीं।